जानुरी पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर था। स्लो टू मॉडरेट फॉग मेनली एक दो जगह करके रिपोर्ट हुआ है, मेनली कोरापुट, गजपति, कालाहंडी, पुरी, कनगुल डिस्ट्रिक्ट का अंदर में। मिनिमम टेम्परेचर लोअर साइड जो था फुलवानी में 10.0 डिग्री सेल्सियस, हमारा एग्रोमेट स्टेशन स्केरी में 10.0 डिग्री सेल्सियस और हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी में था 8.0 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर सिटी में था 14.0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा मेन वेदर अपडेट जो है इसमें 11 टू 14 का अंदर में उड़ीसा में इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी मेनी प्लेसेस में होने का चांसेस है। इसमें एक WD अप्रोच कर रहा है, उसी समय बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर इनकर्शन भी होने का चांसेस है, तो इसी का प्रभाव में होने का चांसेस है। अगला 5 दिन का जो डिटेल्स वेदर फोरकास्ट हमारा है, अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। 24 आवर्स का बाद फिर हमारा 9th के 10th का मॉर्निंग का अंदर में आइसोलेटेड प्लेसेस में एक दो जगह में रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। नोआपारा, बड़ागढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हल्का बारिश होने का चांसेस है। फिर 10th में नोआपारा, बुलांगीर, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, सोनपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर, बाकी डिस्ट्रिक्ट इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके कोस्टल विषय में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। 11th एंड 12th में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। 11th में इंटीरियर विषय का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में, कोस्टल विषय में फ्यू प्लेसेस में, और 12th में सभी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। 11th एंड 12th में हेलस्टॉर्म व क्वापथर भी गिर सकते हैं, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ रहेगा। इसमें मोस्टली जो सब डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें बड़ागढ़, बुलांगीर, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, ये 11th का है। 12th में कालाहंडी, कंधमाल, बोध, ओंगोल, कटक, नयागढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 12th में ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक तो जगह में हेवी रेनफॉल भी हो सकता है, तो इसका प्रभाव मेनली हमारा एग्रीकल्चर। फिर 13th में भी रेनफॉल एक्टिविटी हमारा रहेगा, इसी तरह से 14th में भी थोड़ा एक्टिविटी रहने का चांसेस है और इसका प्रभाव मेनली एग्रीकल्चर में ही रहेगा। और भुवनेश्वर सिटी में नेक्स्ट 24 आवर्स में मेनली क्लियर स्काई रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कल 15 के आसपास रहेगा, सुबह टाइम शैलो फॉग हो सकता है। और भुवनेश्वर सिटी में भी हमारा 11th 12th में मेनली रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है।